मेरा पति था तो पुलिस वाला, पर वो काम डाकू जैसा करता था। गरीब लोगों को बहुत परेशान करता। उसकी ड्यूटी एक गांव में लग गई थी। गांव वालों को कीमती चीज छीन कर ले आता था। एक दिन उसने मेरे हाथों में एक कमरबंद लाकर रख दिया था। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो वो कमरबंद मैंने मेरी बेटी को पहना दिया। जैसे ही दूल्हे की नज़र उस कमरबंद पे पड़ी, दूल्हे ने फटाफट से शादी के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मेरा नाम पुष्पा है। मेरे घर में सभी लोग पुलिस वाले हैं। मेरे पापा की जॉब पुलिस में लगी थी, मेरे दोनों भाइयों की जॉब भी पुलिस में लगी थी। तो मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी भी एक पुलिस वाले से हो। जब एक लड़के का रिश्ता आया मेरे लिए, लड़के का नाम राजवीर था, वह भी पुलिस में लगा था, इसलिए मेरे पापा ने शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दिया। और मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो। मेरी शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति अकेले थे, उनकी मम्मी पापा बहुत पहले ही गुजर गए थे, कोई भाई बहन भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मेरे पति मेरे लिए रोज़ सोने का कुछ ना कुछ लाते, मैं भी बहुत खुश थी। मैं सोचती कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। पर उनकी असलियत तो मेरे सामने तब आई, तब एक दिन ड्यूटी से वो घर वापस आकर मेरे हाथों में उन्होंने एक कमरबंद रख दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैंने मेरे पति से कहा कि आप इतना खर्चा करके क्यों मेरे लिए रोज़ रोज़ गिफ्ट ले आते हो? कल हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे या फिर बच्चे हो जाएंगे तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत पैसा जोड़ना चाहिए। तो मेरे पति कहने लगे कि मैं सब कुछ देख लूँगा, बस जो मैं लाता हूँ तुम आराम से पहन लो। दूसरे दिन सुबह भागती भागती हुई एक औरत मेरे घर के बाहर आई और कहने लगी कि तुम्हारे पति ने मेरा कमरबंद छीन लिया है, अगर वह कमरबंद मुझे नहीं मिला तो मेरी शादी टूट जाएगी। मगर मेरे पति ने उसकी एक न सुनी और अपनी वर्दी का रूप दिखाते हुए उस औरत को वहाँ से भगा दिया। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरों के चीज़ें छीन कर लाते हो। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसी चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाती, ना ही मैं तुमसे शादी करती, क्योंकि मेरे भाई और मेरे पापा एक ईमानदार पुलिस वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरीके से बेईमानी करते हो, गरीब लोगों का हक छीनते हो। यह बिल्कुल मत सोचो कि गरीब लोगों की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, और ऊपर वाला हर किसी का न्याय करता है, हर चीज़ का हिसाब रखता है। जिस दिन ऊपर वाले का हिसाब होगा, तब आपको पता चलेगा कि गरीबों का हक मारने से क्या होता है। मेरे पति ने मेरी एक भी बात ना सुनी और कुछ नहीं कहा। बोला, कुछ नहीं होता, चुपचाप तू अपना घर का काम कर, जो मैं लाता हूँ उसे पहन। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं नहीं पहनने वाली तुम्हारी कोई भी चीज़। आज के बाद तुम भी कुछ भी लेकर आओगे, मैं उसे हाथ नहीं लगाने वाली। उसके बाद मैंने उसका कमरबंद उसको वापस कर दिया। कुछ सालों बाद मैंने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे पति रिटायर हो चुके थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, ज़्यादातर उनका समय हॉस्पिटल में ही निकल जाता था। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। जितना पैसा मेरा बेटा कमाकर लाता था सैलरी, तो आधी सैलरी तो मेरे पति के दवाई में ही चली जाती, और आधे पैसों से बहुत ही मुश्किल से हमारा घर का खर्च चल पाता। मेरी बेटी भी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, पर सब लोगों की डिमांड रहती थी। कोई 5 लाख मांगता तो कोई 10 लाख रुपए मांगता। इतना पैसा देने की हमारी हैसियत भी नहीं थी, इसलिए हमने उनमें से एक भी रिश्ता नहीं किया। हमारे घर एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, लड़का और लड़के की बड़ी बहन थी।
सिर्फ मैंने फिर शगाई कर दी, क्योंकि लड़के की कोई भी मांग नहीं थी। जहाँ तक बात, उन्होंने यह भी कह दिया था कि तुम तो सिर्फ एक जोड़े में अपनी लड़की को विदा कर देना, हम तो अपनी बहू को एक जोड़े में ही अपने घर ले आएंगे। कभी कभी मैं सोचती कि मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिल रहा है, कितने अच्छे लोग हैं, वरना आजकल की दुनिया में तो सबको लेने की पड़ी होती है। खैर, मैं और मेरा बेटा आलतू फालतू खर्चा छोड़कर बेटी के शादी के लिए थोड़ा बहुत जोड़ने लगे। शादी का दिन आ गया, मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी थी, लड़का बारात लेकर आ गया था। मैं ज़्यादा लोग नहीं लाए थे क्योंकि हमारी हैसियत के बारे में उनको पता था कि हम ज़्यादा लोगों के आव भगत नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों के लिए खाना हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरे बेटे के गले में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। फिर मेरे पति मेरे पास एक डिब्बा लेकर आए और कहने लगे कि यह हमारी बेटी को पहना दो, तो मैं उनसे मना किया, लेकिन फिर वह मेरे हाथ जोड़ने लगे, मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे देना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगा। तो मैंने वो डिब्बा ले लिया, उसमें वही कमरबंद था, लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी को वह कमरबंद पहना दिया। लेकिन तब तक वह लड़की की बहन वहीं पर बैठी थी, और फिर वहां से उठकर अचानक, जैसे ही उसने वो कमरबंद देखा, वहां से चुपचाप उठकर चली गई। और पता नहीं उसने लड़के से ऐसा क्या कह दिया कि लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया। मेरी बेटी जैसे ही मंडप में बैठी, लड़के ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया। तब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई, मेरे होश ही उड़ गए। कुछ सालों पहले की बात है, जब मेरे पति का रौब चलता था। मेरे पति था तो पुलिस वाला, पर वो काम डाकू जैसा करता था। उनकी ड्यूटी एक गांव में लग गई थी। वह मेन रोड पर बैठा करते थे, जो भी वहां से गुजरता उसे रोककर अपने पास बुलाते और उसके पास जो कुछ भी होता उसे छीन लेते। उस और एक दिन की बात है, जब मेरे पति घर आकर मुझे बता रहे थे कि आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई है, सोने का हार मिल गया, और मुझे कहने लगे, देखो सीमा, आज की कमाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ये सोने का हार मिल गया जो तुम पहन लेना, पैसे भी बहुत ज़्यादा आ गए। तो मैं सोच रही थी, या जिस किसी का भी लेकर आए हैं, क्योंकि अगर हम किसी का भी कुछ चुरा लेते हैं तो कितनी बददुआ देते हैं। जब गरीब लोगों का हम कुछ छीन लेते हैं तो वह हमें सारी उम्र बददुआ देता रहता है, हमें बददुआ देता रहता है, और वह कभी ना कभी हम लोगों को खा ही जाती है। यह बात मेरे पति को मैं समझाती, पर वो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। कभी कभी वह गुस्से में मुझे एक तमाचा भी जड़ देते थे, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन की बात है, 10 साल के लड़के की लड़का वहाँ से गुजर रही थी, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, उनके घर में जितने भी बच्चे या बड़े लोग होते हैं सब लोगों को काम करने जाना पड़ता है। तो वह लड़की काम करके अपने घर वापस जा रही थी। वह लड़की ईंटों के भट्टे पर काम करती थी, तो वहाँ से उसे 100-200 रुपए मिल जाते थे। तो मेरे पति ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो उस लड़की ने बताया कि मैं काम करके वापस आ रही हूँ। तो मेरे पति ने जबरन उससे पैसे छीन लिए। उस लड़की ने कहा कि ऐसा मत करिए, अगर आप मेरे से पैसे छीन लोगे तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा। पर मेरे पति ने एक भी नहीं बात सुनी।
और कहा, मुझे क्या मतलब तेरे खाने से, मुझे तो पैसों से मतलब है। उन्होंने पैसे छीन लिए और उस लड़की को वहाँ से भगा दिया। यह सारी बातें मुझे इसलिए पता होती थी क्योंकि जब कभी वह ऐसा काम करके आता तो मुझे अपने किस्से सुनाता और कहता, देखो आज मैंने किस तरीके से कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। तो आज मैं सोचती कि आज किस गरीब को लूट लिया। वह इस सब बातों को सुनकर बहुत खुश होते थे, लेकिन मुझे बहुत दुख होता था कि यह क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों को लूट रहे हैं। इनके वजह से न जाने कितने लोगों के घरों में बिना खाना खाए लोग सो जाते होंगे। एक दिन की बात है, मेरे पति मेन रोड पर काम कर रहे थे, आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख रहे थे कि कहीं कोई कुछ अच्छी चीज़ लेके तो नहीं जा रहा। फिर उसकी नज़र एक औरत पे पड़ी तो औरत को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि इस थैली में क्या लेकर जा रही हो, इस थैली की तलाशी लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी अभी किसी का कुछ चोरी हो गया है। तो मेरे पति ने उसकी थैली की तलाशी ली। तलाशी में उसे पता चल गया कि उसके थैले में एक सोने का कमरबंद था और थोड़े से पैसे थे, और उस औरत के साथ एक छोटा सा लड़का भी था जो करीबन 10 साल का होगा। फिर मेरे पति ने जैसे ही उस औरत की थैली से पैसे और कमरबंद देखे तुरंत ये कहने लगा कि यह तो चोरी का सामान है। मेरे पास रिपोर्ट भी आई थी किसी के पैसे और कमरबंद खो गई है, लेकिन उस औरत ने कहा कि यह सब ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद ख़रीदा है, अभी अभी खरीद के लाई हूँ, चाहो तो आप इसका बिल देख लो। पर मेरे पति ने एक ना सुनी, वह कमरबंद उससे छीन लिया और छीन कर तुरंत ही उसे लेकर अपने घर आ गया। वह अपने कमरे में गया और उस कमरबंद को अपनी अलमारी में छुपाने लगा। मैं तो समझ गई थी कि आज फिर गरीब को लूट कर आया है। मेरे पति को मैं कितना भी समझा लूं, लेकिन उसको कुछ भी समझ आता ही नहीं। मैं सोच रही थी कि कुछ देर बाद गेट को खटखटाने लगा। मेरे पति ने गेट खोलने से मुझे मना कर दिया और कहा, मोहल्ले वाले बच्चे होंगे या फिर कोई मांगने वाला होगा, तुम गेट मत खोलो। फिर मुझे आवाज़ आई, गेट खोलो साहब, गेट खोलो साहब। मेरे पति ने मुझसे मना किया था पर मेरा मन नहीं माना और मैं गेट खोलने के लिए चली गई। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी और वह कहने लगी कि अगर वह कमरबंद मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया तो वह शादी टूट जाएगी। वह रोती और बिलखती रही कि मेरे पति ने एक एक पैसा जोड़कर यह कमरबंद बनवाया है, मुझे वापस कर दो नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरे पति ने उसे धक्का देकर वहाँ से भगा दिया और कहा कि अगर तू वहाँ वापस आई तो तुझे तेरे बेटे और बेटी को मैं थाने में ले जाकर बंद कर दूंगा। तो मजबूरी में उसको जाना पड़ा। मेरे पति को मैंने बहुत समझाया कि उसका जो कुछ भी सामान आपने लिया है उसे वापस कर दो, किसी गरीब की हाय हमें नहीं लेनी चाहिए। जो पाप आप आज कर रहे हो वह कल हमारे बच्चे के आगे आ जाएगा। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी। यह लड़का और लड़की वही थे जो मेरे बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए थे। वह बता रहे थे उसके बाद उसकी माँ उस दुनिया से गुजर गई और वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी बहन की शादी टूट गई, फिर मेरी बहन ने खुद अपनी शिक्षा पूरी करी, उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी जॉब लगवाई, मेरी दीदी को एक अच्छा लड़का मिल गया, फिर उन्होंने उससे शादी कर ली और फिर मेरे जीजा जी ने मुझे संभाल लिया। उसकी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। मेरी माँ
इस दुनिया से चली गई। मेरी बहन की शादी टूट गई, हम दोनों अनाथ हो गए। यह शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं रोने लगी, लड़के के हाथ पैर जोड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और कहा, इसमें मेरी बेटी का कोई भी कसूर नहीं है और ना ही मेरा कसूर है। जब भी मेरा पति कुछ ऐसा करके लाता तो मैं उसे हमेशा मना करती कि ऐसा मत करो, जो कुछ भी लाए हो उन्हें वापस कर दो, पर वह मेरी एक बात नहीं सुनता। इसमें मेरी बेटी का कोई भी कसूर नहीं है, प्लीज़ आप उसे सजा मत दीजिए। उसके बाद मेरी बेटी की ननद आई और मुझसे कहने लगी कि आप चिंता मत करो, आपकी बेटी की शादी ज़रूर होगी और मेरे भाई से भी होगी। यह कमरबंद मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यह कमरबंद मुझे बुरे समय की याद दिलाएगा। उसे अपने भाई को समझाया कि इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, जिसने हमारे साथ बुरा किया था भगवान ने उसे सजा दिया है। देखो भाई किस तरीके से बिस्तर पे पड़ा है और उसमें उस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, इससे शादी कर ले। फिर उस लड़के ने मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। वह जेवर मैंने मेरे पति को दे दिया, यह देखो तुमने जो आज तक किया उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा था। वह तो भगवान की मेहर समझ लो, जो हमारी बच्ची की शादी हो गई, बहुत अच्छे घर वाले मिले, बहुत अच्छा पति मिला। मेरा पति भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मुझे माफ़ कर दो, उसे कोई बदल नहीं, जो हो गया उसे तो कोई बदल नहीं सकता, पर जिन बच्चों ने अपनी माँ खोई है उसका दुख का भी तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बेचारे वो अनाथ हो गए थे। इसलिए कहते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं तो सोच समझ कर करना चाहिए। अगर कुछ भी गलत काम करते हैं तो उसका खामियाजा ना हमें भुगत कर ही जाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें कौन देख रहा है या फिर हमें कौन रोकने वाला है। उसे यह नहीं पता कि ऊपर वाला सबके ऊपर नज़र बैठा है, देख रहा है। जैसा करोगे वैसा इसी धरती पर भुगत के जाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।